राम जन्मभूमि में रामायण के पात्र जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, तुलसीदास, माता शबरी, जटायु, निषादराज के भी मंदिर बनाए जाने हैं। रामायण के पात्रों की मूर्तियों को रूप देने के लिए मूर्तिकारों को प्रमाणिक चित्र की आवश्यकता है। इसके अध्ययन के लिए ट्रस्ट ने एक टीम गठित की है। जानकारी के अनुसार टीम में शामिल अयोध्या राज परिवार के सदस्य यतीन्द्र मिश्र ने गोरखपुर स्थित गीता प्रेस जाकर रामायण के पात्रों के प्रमाणिक चित्रों का अध्ययन किया और कई चित्रों का चयन भी। रामायण के पात्रों की मूर्तियां गीता प्रेस के प्रमाणिक चित्रों के आधार पर बनेंगी। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी गीता प्रेस जाकर रामायण के पात्रों का चित्रण ग्रंथों में किस प्रकार व किस रूप में किया है इसकी जानकारी हासिल की थी। ट्रस्ट का कहना है कि जटायु शबरी की मूर्तियों को देखकर भक्तों को रामायण काल की अनुभूति हो जाए, इसके लिए प्रमाणिक चित्रों का अध्ययन कर मूर्ति बनाने का काम किया जाएगा। रामायण धारावाहिक में भी चित्रों का हुआ था उपयोग। टीवी के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण को बनाने वाले मशहूर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने भी गीता प्रेस के चित्रों का उपयोग किया था। उन्होंने गीता प्रेस के आधार पर ही धारावाहिक के पात्रों राम, लक्ष्मण, सीता, कौशल्या, हनुमान, सुग्रीव आदि के वस्त्र, उनके रंग, आभूषण आदि का चुनाव किया। धारावाहिक में सजाए गए दरबार का आधार भी यही चित्र थे। इस संबंध में गोरखपुर के गीता प्रेस प्रबंधक लालमणि तिवारी ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के ट्रस्टी के सदस्य गोरखपुर आकर गीता प्रेस की लीला चित्र मंदिर का अवलोकन किया और यहाँ के पात्रों के आधार पर अयोध्या में चित्र मंदिर बनेगा। ये हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। देखिए, ऐसा है कि चित्र तो अपने यहाँ बनना शुरू हो गया था गीता प्रेस की स्थापना के समय से ही, और जो कल्याण के विशांक निकलते थे उनके लिए चित्र बनते थे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चित्रकारों को अनुभूति करा करके और उनको जो शास्त्र है उसके अनुसार आयुध, उसके अनुसार वस्त्र, ये सब बता करके वो चित्र को बनवाते थे, वो खुद भी देखते थे। तो चित्र का जो बनने का सिलसिला था वो पहले से शुरू हो गया था। यहाँ ये चित्र लगे हैं 1955 में राजपति राजेंद्र प्रसाद जी 29 अप्रैल को आए थे तो इस चित्र मंदिर का उद्घाटन किए थे, तब से ये चित्र यहाँ लगे हुए हैं। चित्र के लिए बात आई कि जो भगवान राम का मंदिर अयोध्या बन रहा है इसमें कुछ गीता प्रेस के चित्र वहाँ, इसके आधार पर वहाँ मूर्तियाँ बननी हैं। तो हम लोगों को प्रसन्नता हुई कि भगवान इतना दिन पहले इस काम को इसीलिए लगता है कराए थे कि ये काम में आ जाए। सॉफ्ट कॉपी हम लोग किसी को नहीं देते हैं, लेकिन चित्र मंदिर के काम के लिए हम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी। और वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, तो वो यहाँ आए थे विशेषकर, तो उन्होंने देखी, जैसे ये अहल्या की थी तो अहल्या को उन्होंने कहा कि मैंने अहल्या का चित्र मंगवाया था लेकिन वो अहल्या बाई होलकर का चित्र आ गया, तो इसलिए गोविंदगिरी जी ने, जो एक सन्यासी हैं, तो कहें उन्होंने कहा कि चित्र तो अगर प्रामाणिक चित्र लेना है तो आप गीता प्रेस चले जाइए और वहाँ से लेके आइए। उन्होंने हमारे ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल उनसे बात भी करवाया तो यहाँ आए, तो उन्होंने ये चित्र जिसे इस चित्र को लिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमको निषादराज का चित्र चाहिए और गुहे का चित्र चाहिए, तो गुह जी का और निषादराज जी का चित्र देखिए ये है। लेकिन अपने लोगों ने उनको ये राय दिया, हमारे ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल जी ने भी राय दिया कि जब इनको चित्र निषादराज को या इनका चित्र अगर छापिए निषाद जी का, तो ये पूरे प्रसंग के साथ अगर बनाएंगे मूर्ति तो वो अच्छा लगेगा। केवल एक मूर्ति बना देंगे तो प्रसंग के हिसाब से वो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हुआ कि इसको प्रसंग के आधार पर बना दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने कई चित्रों को, विश्वामित्र जी का भी चित्र, वशिष्ठ जी का चित्र जो उधर लगे हुए हैं, इन चित्रों को वो यहाँ से ले गए। इसके बाद फिर वहाँ से एक दूसरे और आए, तो जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो जब आए तो वो लगभग 70-80 चित्रों की बात हमारे पास उन्होंने रखा और उन्होंने पूरी सूची दी। तो बाकी बहुत सारे चित्र हमने उनको सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करा दिए कि जिस चित्र की उनको ज़रूरत हो, अगर कहीं प्रिंट कराना हो, कहीं भित्ति चित्र बनाना हो अथवा उनको मूर्ति बनाना हो, तो उन चित्रों का उपयोग वो बाखूबी कर सकते हैं और इसमें गीता प्रेस को भी खुशी होगी।